हेलो एवरीवन, इट्स मी कावेरी एंड वेलकम टू माय चैनल फेम स्पिरिट कावेरी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों की पढ़ाई में बाधाओं के बारे में। स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस होते हैं। एक अच्छा रिजल्ट पाने में महीनों की मेहनत और लगन लगती है, इसलिए स्टडी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि एक स्टूडेंट में नॉलेज एंड क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। फेंगशुई के प्रिंसिपल शा ची, जो कि फेंगशुई में एक नेगेटिव एनर्जी है, उसे बाहर निकालने में, और शेन ची, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है, उसे अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। फेंगशुई को हम एनर्जी का पावर हाउस भी कह सकते हैं, और इसकी मदद से हम स्टूडेंट्स के गुड लक एंड सक्सेस पाने के लिए एक बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ना तो ठीक से पढ़ पाते हैं और ना ही पढ़ा हुआ याद रख पाते हैं। स्टडी रूम का वास्तु भी बच्चों की पढ़ाई में बाधा बन सकता है, इसलिए स्टडी रूम को वास्तु नियमों के अनुसार ही सेट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इस एंशियंट चाइनीज वास्तुशास्त्र की मदद से बच्चों के स्टडी रूम को उनके पढ़ने के लायक बना सकते हैं, जिससे बच्चे अपने पढ़ाई में और कॉन्सेंट्रेट कर पाए। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और पास के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। अगर आप नया घर बनवा रहे हो, या फिर नए घर में शिफ्ट कर रहे हो, या फिर आप जिस भी घर में अभी रह रहे हो और सोच रहे हैं कि बच्चे के लिए एक स्टडी रूम बनाना चाहिए, तो उसे घर के पश्चिम कोण में बनवाए। पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स के लिए टेबल इस तरह हो कि बच्चे उत्तर पूर्व दिशा, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ फेस करके पढ़े। अगर इस डायरेक्शन के सामने कोई विंडो हो तो विंडो के राइट साइड में स्टडी टेबल को सेट करें, और अगर कोई विंडो ना हो तो उस डायरेक्शन के लेफ्ट साइड में कोई शीशा वॉल में हैंग कर दे। स्टडी रूम में बुक्स दक्षिण या पश्चिम, मतलब कि साउथ या फिर वेस्ट के डायरेक्शन में रखें। अगर आपके बच्चे किसी गैजेट्स का यूज़ करते हैं अपनी पढ़ाई के लिए, तो उसे साउथ या फिर साउथ ईस्ट के डायरेक्शन की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि साउथ मंगल की दिशा है और आयरन कॉपर ये सब मंगल के ही एलिमेंट्स हैं। इसलिए अगर हम आयरन कॉपर से बनी हुई चीज़ें साउथ की डायरेक्शन में रखते हैं तो उससे एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे लाइफ में। फेंगशुई में एडुकेशन टावर को बहुत शुभ माना जाता है, और इसे चाइनीज़ पैगोडा का सिंबल भी माना जाता है। फेंगशुई में इसे ज्ञान, वृद्धि और कॉन्सेंट्रेशन का प्रतीक मानते हैं, इसलिए एडुकेशन टावर को बच्चों के स्टडी रूम में रखने से उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ती है। एडुकेशन टावर को उत्तर दिशा में रखना चाहिए, इससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहता है। फेंगशुई के सिंबल्स और एलिमेंट्स में कुछ सुपर नेचुरल पावर्स होती हैं। विंड चाइम्स या ट्यूबुलर बेल्स जैसे मेटल एलिमेंट्स ना केवल स्टडी रूम को खूबसूरत बनाती है, बल्कि नेगेटिव एनर्जीज को भी दूर करने में इफेक्टिव होती है। स्टडी रूम के विंडो के पास एक क्रिस्टल बॉल रखने से वो शेन ची, जो कि फेंगशुई में एक पॉजिटिव एनर्जी को बताता है, उसे और एक्टिवेट करती है। इसके अलावा हेमाटाइट, एमेथिस्ट स्टोन, लाफिंग बुद्धा जैसे फेंगशुई आइटम्स हैं जिन्हें स्टडी रूम में रखा जा सकता है। और स्टडी टेबल के ईशान कोण, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक ग्रीन एवेंचुरिन का क्रिस्टल ट्री रखने से भी बच्चों में पढ़ाई समझने और याद रखने की कैपेसिटी बढ़ती है। बच्चों के स्टडी रूम में और रूम के पर्दों में भी लाइट कलर्स को ही यूज़ करें। अगर स्टडी रूम में कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब पड़ी हो, या तो उसे ठीक करवाएं और नहीं तो उसे स्टडी रूम से हटवा दें। खराब इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें नेगेटिव एनर्जी शा ची को एक्टिवेट करती है, और इससे बच्चे स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। तो ये थी कुछ फेंगशुई वास्तु टिप्स, जो कि अगर आप बच्चों के स्टडी रूम में अप्लाई करते हैं तो बच्चे और पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, और आपको उनके स्टडीज़ में और ग्रोथ एंड सक्सेस देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में कोई स्टूडेंट हो तो उनसे भी शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।